अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे काम कल होगा, इंजेक्शन हो गया। विधानसभा का निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपादित हुआ है। कुल 424 पोलिंग स्टेशंस में कल P-1 वाले दिन धनवाद मंडल कार्यालय से सभी पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया था। एक पोलिंग पार्टी हेलीकॉप्टर के माध्यम से थान सिंह भी बूथ तक भी गई थी और शेष सभी अपनी गाड़ियों से ही गए थे। इन पूरे 424 में से 3 पोलिंग स्टेशन विमेन पोलिंग स्टेशन भी था। सभी लोग अपने क्लस्टर्स पर जाकर रात में ठहरे थे और उसके बाद आज सवेरे सभी लोग अपने अपने बूथों की तरफ प्रस्थान किए थे। 5:30 बजे से हर एक पोलिंग स्टेशन में मॉक पोल की शुरुआत हो गई। 7 बजे तक सफलतापूर्वक मॉक पोल का संचालन हुआ और 7 बजे से एक्चुअल पोल की शुरुआत हो गई। और दिन भर सभी बूथों के जो पोलिंग रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं उस हिसाब से 61.68% पोल अभी तक सूचित किया गया है। हालांकि इसमें कुछ आंशिक संशोधन होने की संभावनाएं हैं। एक बार जब सारी पोलिंग पार्टीज अपने अपने फिगर्स को पूरी तरह से अपडेट कर देती है और हमारे साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के डायरी हम लोग पढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं तो फाइनल पोलिंग परसेंटेज के रिपोर्ट्स कल सुबह अनाउंस कर दिए जाएंगे। सभी पोलिंग पार्टीज़ के आगमन शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारी पोलिंग पार्टीज यहाँ आ भी चुकी हैं और सभी अपने अपने फाइनल रिपोर्ट्स को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इनके लिए रिसीविंग काउंटर्स बनाए गए हैं। रिसीविंग काउंटर्स में ये सारे EVMs और स्टैचुरी पैकेट्स नॉन स्टैचुरी पैकेट्स जमा कराएंगे और स्ट्रॉन्ग रूम में फिर इनके सारे EVMs सील करा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आज का मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मैं इसके लिए सभी पोलिंग टीम, हर एक बूथ में लगाए गए सभी पुलिस फोर्सेस, जिला के सभी अधिकारीगण और इससे जुड़े तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही अच्छे मतदान की हम लोगों ने मिसाल पेश की है और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट फेज में 5 विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो भी इसी प्रकार सफलतापूर्वक